फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग नमस्कार सो आज ब्लॉग तो मॉर्निंग वॉकर लगत स्टार्ट करिसु सो आपनालोकक बहुत बहुत थैंक यू आपनालके मोर वीडियोस बु लाइक और सब्सक्राइब करार कारणे आरो मय होइसो डॉक्टर डॉली जि हकल लोके मोर वीडियो तो आज फर्स्ट टाइम कारणे चाइसे सो बोलक आज वॉकिंग एंड जॉगिंग लगत ब्लॉग तो स्टार्ट करो चकु एकदम फुली आसे जस्ट हुई उठिए लगे लगे आ गई सो लेट्स सी कलेज जिम जो मैं आजिले आहिमेंगेपरा ना पटक कथा मन पर बहुत के मोदे तुम जिम क्या जा तुम तो एक्सारसाइज कर नाइकिया हो जा क्यों सो के भाँ एक्सुअलि आम एक्सारसाइज कि इम्पर्टेन्स मानने एक्सारसाइज तो आम बहुत भूल धारणा थको नागे जो आम एक्सारसाइज तो क्या लगे एक्सारसाइज तो आमकारे ना लगे आम शॉर्ट टर्म गोल्स आम के लग ना आम लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स कारण आम निजे शर चर्चा तो लगे बीट आम जिम जाओ योगा करूँ जिये नको एक्चुअली आम कार्डिओवास्कुलर सिस्टम तो भल्क वर्क करें अक फिजिकल एक्टिविटी लगे सो आमार दुटा टाइप एक्सारसाइजेस आसे जेनेके एटा होइसे आइसोटोनिक एक्सारसाइज और एटा होइसे आइसोमेट्रिक एक्सारसाइज आइसोटोनिक एक्सारसाइज कि होय फर एग्जाम्पल आइसोटोनिक एक्सारसाइज बिलाक आमी रानिंग स्विमिंग डांसिंग एनी फॉर्म ऑफ एक्सारसाइज मोस्टली आइसोटोनिक एक्सारसाइज होय जो आमार स्ट्रेंथ एंड एंड्यूरेंस तो ही आमाक बढ़ावले हेल्प करे आरो योगा तो मोस्टली आइसोमेट्रिक एक्सारसाइज है बट जो पजिशन आम होल्ड करूँ सीट आइसोमेट्रिक बट जो आम पजिशन चेन्ज करूँ तक आम आइसोटोनिक एक्सारसाइज है सो कथा हल एक्सारसाइज इम्पर्टेन्स तो आम इने भाव नागे जो आम क्षीण हमले शकत हमें एक्सारसाइज लगे सीट एक्टा बहुत भूल कन्सेप्ट आम ये लगे आम फ्यूचर ग्रोथ मैं फार्डार मैं लॉन्ग टर्म गोल एट लो लगे सो देट वी विल बी फिट एंड हेल्दी एक्सारसाइज कन्सेप्ट आम एने नागे जो आम अक धुनिया देखे एक्सारसाइज लगे क्षीण शकतर एक्सारसाइज एक रिलेशने ना एक्सुअलि एनी फर्म अफ फिजिकल एक्टिविटी आपुनी जो 15 to 20 मिनिट्स एवरीडे अलग हम क्या फिजिकल एक्टिविटी करे इमार बडी हेल्प करे यू नी एज मानु एकदम जिम जा लगे तैयार एक्सारसाइज हम मासल्स बढ़ लगे तैयार ना पर वीक जो 150 मिनिट्स अलग हम फिजिकल एक्टिविटी करे दैट इज सफिशियंट फॉर योर बॉडी अपनी भर पास अपना स्ट्रेंथ तो बढ़ लगे यू शुड हैव टू एंड्योरेंस लगे और अपना प्राय मैं देखे सके मैं ये सीढ़ी सदा फोर्थ फ्लोर लगे क्लाइम कर जाऊँ सो मैं भाँ स्टेयर्स क्लाइम्बिंग इज अनदर फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी अपना सके के भावे आम के हॉस्पिटल एनवायरमेंट हॉस्पिटल एखनते आम के थको पारो एक्चुअली याले अहार आगत मैं हॉस्पिटल जैसे नाइट शिफ्ट ड्यूटी थके ड्यूटी थका समय थको हॉस्पिटल बिल्डिंग तार पास आम केम्पास भर थे हॉस्टेल थको निजर जो घर आते थको कितना इते जो तो बेलेग एक ऑप्शन्स ना मैंने सो इते मैं रेसिडेंट डॉक्टर्स कारण हॉस्पिटल बिल्डिंगते अलग प्रोविजन कर रखी से जैसे रेसिडेंट डॉक्टर्स थको पारे किसुसंख्यक सो फाइनली प्रथम आते तो इनके थकीम भबा ना बट गॉड ऑलवेज हेज बेटर प्लेन्स फॉर यू सो जद एने थकबा हल मूक एगी भल आगर बंधुक दिले सो कम्पेनीटे मूक इजी कर दिले और इतना भल लगे मैंने इट्स नॉट अबाउट द प्लेस इट्स अबाउट द पीपल विथ हुम यू वांट टू स्टे कम्पेनी तो जो भल थे जेगा एक मेटर नक सो आमार तो इतना प्रैक्टिस हो गई है कि हॉस्पिटल कले तो कारो के भाव नागे और सकुए हॉस्पिटल कले भय सो दिस इज आवर लाइफ समथिंग नॉर्मल फॉर अस हो गई है वी हैव टू एक्सेप्ट इट सो इतना कथा हल मैं भाँ आम कार्डिओ वर्क तो बहुत इम्पर्टेन्ट जिमे कर वेट ट्रेनिंग करोगा करो एक्सारसाइज नक अपनी कि अपना कार्डिओ वर्क इज भेरी इम्पर्टेन्ट सीकार जिम गले
দেখা পাব আপোনাক ফার্স্ট ফার্স্ট ওয়েট ট্রেনিংত কেতিয়াও হেৰি নকৰে ফার্স্ট আপোনাৰ কার্ডিও আছে আপোনাক ৰানিং কৰিব দিব সাইক্লিং কৰিব দিব সো আপোনাৰ ষ্টেমিনা এণ্ড আপোনাৰ কার্ডিও হেৰিটো এণ্ডিউৰেন্সটো বাঢ়িবলৈ কাৰণে দেট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট তো আপোনালোকে যদি এতিয়াতো মোৰ কিমান দিন হ'ল মই জিম যোৱাই নাই কোভিড অহাৰ পৰাতো জিম বন্ধই হৈ গ'ল সো সেইকাৰণে অলপমান কেতিয়াবা খোজকাঢ়ি দিওঁ অলপমান দৌৰি দিওঁ তাৰপিছত একো নহ'লে সেই চিৰিটিটো সদায় খোজ খোজ কৰাটো হয়েই আৰু সেই লেজিটো ময়ো হয় কিন্তু একচুৱেলি এক্সাৰচাইজ বুলি ক'লে বহুত এক্সাৰচাইজ নকৰিলেও হ'ল আপুনি পাৰ উইক 150 মিনিট যদি নিজৰ কাৰণে আপুনি দিব পাৰিছে দেন ডেট ছাফিচিয়েণ্ট সো অলমষ্ট 45 মিনিটছে হৈ গ'ল মই ওলাই অহা ব'লক এতিয়া এতিয়া ৰুমত যাম ফ্ৰেছ হ'ম ফ্ৰেছ হৈ পানী চানী খাম তাৰপিছত আৰু দুটি কাৰণে ওলাই যাম চ' চাই মেলি ভাল লাগিছে অলমষ্ট দুসপ্তাহতকৈ বেছি মই ঘৰত আছিলোঁ কাৰণ আগৰ ভিডিঅ'জকেইটা আপোনালোকে যদি চাইছে গম পাইছে মোৰ মা পাপা দুজন ক'ভিড পজিটিভ হৈ গৈছিলে সিহঁতক এৰি থৈ আহিবলৈ বেয়া লাগে বাট ষ্টিল নিজৰ ডিউটিটো কৰি যাব লাগিব লগতে চ' আহিলোঁ চ' ইমান দিনৰ পাছত অকণমান নিজকে ফ্ৰেছন আপ কৰি ল'লোঁ চ' মই ৰেডি হৈ এতিয়া ডিউটি অপিডিলৈ গৈ আছোঁ একচুৱেলি ইলেক্টিভ চাৰ্জাৰিজবিলাক চব ক'ভিডৰ কাৰণে বন্ধ হৈ আছে আৰু সেইকাৰণে নাও ইটছ অল অনলি অপিডি আফটাৰ অলমষ্ট 2 উইকছৰ পাছত ডিউটিত আহি ভাল লাগিছে কাৰণ আপুনি ভালপোৱা কামটোৰ পৰা বেছি দিন দূৰত থাকিলে ভাল নালাগে কিন্তু বৰ্তমান অপিডি পেচেণ্টছবিলাক আমাৰ কমি গৈছে ক'ভিডৰ কাৰণে আৰু সেইকাৰণে কেতিয়াবা বৰো লাগি যায় কাৰণ পেচেণ্ট এজন চাই থাকিলে সময়টো কেনেকৈ পাৰ হৈ যায় আমি গমেই নাপাওঁ এতিয়া দৈনন্দিন বজাৰো কৰিব লাগে অলপমান চ' বজাৰ কৰি আহি ভোক লাগিলে মোৰ চ' কফি শ্বপত সোমাই দিলোঁ একাপ কফি খালোঁ এতিয়া অলপ ইভিনিং ৱাক কৰিবলৈ ওলাই আহিছোঁ মোৰ লগত মোৰ এনথুচিয়াষ্টিক পেডিয়াট্ৰিচিয়ান ফ্ৰেণ্ডো আছে চ' লগত এটা ভাল কোম্পানী থাকিলেতো কথাই নাই আৰু অলপ ফ্ৰেছ হৈ গ'লোঁ ফ্ৰেছ হৈ কেনে দেখিছে একদম ঘামি ঘামি গৈছোঁ চ' এতিয়া অলপ এনাৰ্জি লাগে সেইকাৰণে এতিয়া পানী আৰু বানানা খাম চ' কেলৰিজ লাগিব বিকজ ৱৰ্কআউট কৰি আহিছোঁ এনাৰ্জি লাগিবতো চ' সেয়া চ' ফাইনেলি আজি মই আপোনালোকৰ পৰা চাইন অফ কৰিছোঁ আৰু আশা কৰোঁ যাতে আপোনালোকে হেপি থাকে সুস্থ থাকে আৰু প্লিজ মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'টো আকৌ চাব আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক ভাল পায় দেন প্লিজ লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চ' এতিয়াৰ কাৰণে বাই বাই